सो हे गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक वी अनदर वीडियो। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप की रियलिस्टिक एडिटिंग सीखने वाले हैं। तो गाइज इस वीडियो को यार प्लीज़ 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 फुल वॉच करना, और इसमें आप लोग को रियलिस्टिक शैडो क्रिएट करना भी पता चल जाएगा कैसे करते हैं। तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस इस बार हम लोग ऑटोडेस्क में एडिटिंग करने वाले हैं। तो ऑटोडेस्क को ओपन करना है, ये बैकग्राउंड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फिर आपको ओपन करके अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। तो मैं ऐड कर लूँगा। सो ये बैकग्राउंड आपको ओपन करना है, फिर जाना है आपको टूल्स में, ऐड फोटो में जाकर आपको ऐड कर लेना है। पता नहीं इसको ऐड फोटो ही बोलते हैं क्या, लेकिन मैंने ऐड फोटो का नाम दिया इसे। फिर यहाँ से ऐसा सेट कर लेना है आपको, अगर आप फोटो क्लिक करवाओगे तो देखना कि ज़मीन सा एरिया हो, और सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। और इसको यार डुप्लीकेट करना है, और नीचे वाले लेयर को ब्लेंडिंग मोड डार्कन करना है, इरेजर वाला टूल लेके ऐसे ऐसे इरेज कर देना ताकि हेयर जो है वो परफेक्ट आए। तो मैंने कहा जिसमें शैडो ऐसे बनाया जैसे कि मेरा जो फोटो था उसी का रियल वाला शैडो मैंने ला के मर्ज कर दिया फोटो के साथ। अगर आपको मर्ज करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, कॉमेंट कर देना, मैं वीडियो ले आऊँगा उस पर। तो पैर के नीचे से भी हल्का हल्का मैं इरेज करूँगा ताकि हमको मर्ज करना है पूरा शैडो इसका। और मर्ज करने के बाद दोनों उसको अनहाइड कर दूंगा, ऊपर वाले लेयर को जो डुप्लीकेट मॉडल का बनाया था, और पैर पर से इरेज कर लूंगा। पैर के नीचे से इरेज कर लेने के बाद देख सकते हो एकदम रियलिस्टिक लुक देने लगा अभी से ही। सो इसको हम लोग फिर हेयर पर से भी इरेज करेंगे, क्योंकि हम लोगों को जितना हेयर चाहिए था वो मैंने पहले से इरेज कर लिया था इसी में। इरेज कर लेने के बाद गाइस यहाँ से हम लोग दिन जाएंगे ऐड फोटो में, टूल्स पर जाएंगे, ऐड इमेज ऐड में जाएंगे, और ये वाला पे क्लिक करके पैंथर का PNG लाएंगे, और ये वाला लेंगे और इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे, और यहाँ पे अच्छे छोटा सा करके ऐसे सेट कर देंगे। और इसका आप लोग शैडो शायद बना ही हुआ है पहले से, इसलिए आप लोग बना लेना, अगर बनाने आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप लोग बना लेना। फिर ये वाला टूल लेकर यहाँ पे हल्का हल्का डार्क टाइप का देना है, कलर ब्लैक लेकर हल्का हल्का डार्क टाइप का दे देना ताकि रियलिस्टिक लुक देने लगे। तो मैं कर दे रहा हूँ डार्क डार्क, अभी तो पता नहीं चल रहा होगा, देखो अब डार्क लग रहा होगा आप लोगों को, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। फिर यहाँ से करने के बाद सिंपल से हम लोग इसको कर देंगे सेव। तो आप लोग देख सकते हो पैर पे एक्स्ट्रा एरिया आने वाला जो वो इरेज कर दूंगा मैं सबसे पहले, तो जो इरेज हो गया। फिर इसको यार सिंपल से हम लोग कर देंगे सेव, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करेंगे, अच्छे से इरेज कर। और हाँ इसमें आप लोग अपना फेस स्मूथ वगैरह भी कर लेना अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो ले आया पहले से ही, तो आप लोग देख लेना और सीख जाना। फिर यहाँ से हम लोग सेव करके ले जाएंगे लाइटरूम में। लाइटरूम में आने के बाद सिंपल से आप लोग जाएंगे ये वाले टूल में, कॉन्ट्रास्ट को 21% बढ़ाएंगे, 15% या अरे यार आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हो, अपने आपके फ़ोटो के हिसाब से, और मेरे फोटो के हिसाब से भी रख सकते हो जैसे मैं दे रहा हूँ टोन। सो यार लुमिनस बढ़ाएंगे ऑरेंज का, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ फेस गोरा करेंगे, और हल्का फुल्का ब्लू इस टोन देना हमको, तो पिंक वाले को आएंगे। फिर मेन चेंज ग्रेडियंट में आना है, शैडोज पे क्लिक करना है, और शैडोज को येल्लो टोन में देना है, येल्लो टाइप का। तो यहाँ से हम लोग येल्लो टोन देंगे, फिर मिड टोन में जाएंगे, हल्का फुल्का दे देंगे ऐसे ब्लू टोन में, फिर इसको यार हाईलाइट्स को येल्लो टोन में देंगे, और सैचुरेशन रखेंगे हम लोग इसका 22%। फिर नेक्स्ट वाले ग्लोबल में जाके इसको भी हल्का ग्रीनी टोन में दे देंगे, और सैचुरेशन रखेंगे इसका 10% तक। फिर टेक्सचर इसका बढ़ाएंगे 63% विग्नेट माइनस के साइड, फिर शार्पनेस इसका बढ़ा देंगे, और नॉइज रिडक्शन, कलर नॉइज रिडक्शन, डिटेल एंड स्मूथनेस दोनों बढ़ा देंगे। तो गाइस ये एडिट हो चुकी है। सो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें।